जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 3100 रुपए का वादा, 2203 रुपए MSP पर धान की खरीदी समेत कृषि उन्नत योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि अब छत्तीसगढ़ सरकार मुहैया कराएगी। 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ के बजट में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों से सरकार ने धान 3100 रुपए में खरीदी करने का वादा किया था, मगर धान खरीदी 2203 रुपए के समर्थन मूल्य पर कर दी गई है और अब अंतर की राशि के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया गया है। विधानसभा में पेश किए गए 13,487 करोड़ के 4,91,207 करोड़ के अनुपूरक बजट में कृषि उन्नत योजना के 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि अंतर की राशि से जुड़े सवाल को मुस्कुराकर OP चौधरी टाल दिए। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की जरूरत को समझते हुए बजट में उचित प्रावधान किए जा रहे हैं। मुख्य बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में श्री रामलला दर्शन समेत धान उत्पादक किसानों के लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए, साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के लिए 3,04,00,000, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 350 करोड़, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय के लिए 70 करोड़, यूनिटी मॉल के लिए 19 करोड़, जबकि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जल्द ही आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जाएंगे और अगर बिजली चाहिए तो सबसे पहले आपको रिचार्ज करना होगा। दरअसल स्मार्ट मीटर लगने का काम प्रदेश में इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। सबसे पहले सरकारी दफ्तरों और ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, इसके बाद घरेलू कनेक्शंस में स्मार्ट मीटर लगेंगे। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत विद्युत अधोसंरचना को दुरुस्त करने के साथ ही स्मार्ट मीटर अब प्रदेश में लगाए शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के 5 राजस्व संभागों में स्मार्ट मीटर के लिए सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है। रायपुर राजस्व संभाग में टाटा पावर, बिलासपुर और सरगुजा राजस्व संभाग में हाई प्रिंट सॉल्यूशन और दुर्ग बस्तर संभाग में मेसर्स जीनस पावर सॉल्यूशन को स्मार्ट मीटर लगाने और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ट्रांसफार्मरों में इसीलिए मीटर लगाए जाएंगे ताकि बिजली सप्लाई लॉस का आकलन किया जा सके। योजना में दी गई शर्तों के अनुसार पावर कंपनी प्रत्येक स्मार्ट मीटर का किराया देगी। स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी 10 साल तक मेंटेनेंस भी करने वाली है। मीटर में गड़बड़ी अथवा खराब मीटर लगाने पर आने वाले खर्च की 85% राशि एजेंसी को खर्च कंपनी प्रबंधन द्वारा अभियंताओं को स्मार्ट करना होगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई, 47 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। अंजुमन जमात खाना की बाउंड्री वॉल भी इसमें शामिल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM व गृह मंत्री विजय शर्मा के गृहनगर कवर्धा में सोमवार को अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। शहर के कलेक्ट्रेट रोड स्थित भोजली तालाब के पास अंजुमन जमात खाना की बाउंड्री वॉल समेत को अन्य लोगों के 47 दुकानों में भी बुलडोजर चला है। ये कार्यवाही नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने की है। जानकारी अनुसार मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्यवाही की शुरुआत से ही सुबह 9 बजे से ये कार्यवाही की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध अतिक्रमण किए हुए लोगों को 2 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके कारण ये कार्यवाही की गई। दूसरी और अतिक्रमण की कार्यवाही से दुकानदार नाराज है। विधानसभा में 13,487 करोड़ के ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें रामलला दर्शन धान खरीदी की अंतर की राशि देने समेत 1215 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सरकार के कामकाज की जानकारी दी और साथ ही वित्त मंत्री OP चौधरी ने 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट पर मंगलवार को चर्चा होगी और इसके बाद इसे पारित कर दिया जाएगा। अनुपूरक बजट में धान उत्पादक किसानों को अंतर की राशि देने के लिए कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य सरकार की अयोध्या श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए रखा गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़, निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन बनाने के लिए 20 करोड़, जबकि पुस्तकालयों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 350
करोड़, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 70 करोड़ और यूनिटी मॉल स्थापना के लिए 19 करोड़ का प्रावधान है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के लिए पूरक बजट में 32 करोड़ और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 32.45 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार अरपा को प्रदूषित नदी मान लिया है। कमिश्नर का दावा है कि प्रदूषण रोकने के लिए 3 नए एसटीपी चालू किए जाएंगे। कोर्ट ने रिवाइवल प्लान लगाने का निर्देश जारी किया है। बिलासपुर जिले की जीवन रेखा अरपा नदी प्रदूषण के मामले में चौथी श्रेणी में है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल ने इसकी पुष्टि कर दी है। NMCG ने साल भर पहले छत्तीसगढ़ सरकार को इसके बारे में आगाह करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने को कहा था, यानी एसटीपी लगाने को कहा था और ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नदियों को प्रदूषण से उबारने के आदेश के पालन के लिए कहा गया था। अरपा में प्रदूषण का आलम यह है कि प्रतिदिन नदी में 130 MLD से अधिक शहरवासियों के जलमल की निकासी की जा रही है। हाईकोर्ट ने अरपा नदी में प्रदूषण को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 2 साल पहले शासन को अरपा रिवाइवल प्लान बनाकर कार्य करने के आदेश जारी किए थे। मौसम अचानक करवट बदल सकती है। 6 और 7 फरवरी को बारिश के आसार हैं। दरअसल प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच अभी अभी मौसम विभाग ने ताजा अपडेट दिया है, जिसके अनुसार प्रदेश में एक बार फिर से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में अभी दिन में अच्छी धूप के चलते गर्मी का एहसास अब बढ़ने लगा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। इसी के साथ ही प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवाओं का आगमन शुरू हो रहा है। बादल छाएंगे, जिससे लोकल सिस्टम तैयार होगा। 6 और 7 फरवरी को दुर्ग संभाग और उससे लगे उत्तर भाग में हल्की सी बारिश संभावित है। इधर शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 31.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। 15 फरवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी और साथ ही इसी के साथ गर्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। भूया पोर्टल में जमीन और घर का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए लोग कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं अगर बात करें राजधानी के हजारों लोगों के जमीन और मकान ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाने की वजह से लोग परेशान हैं। इसके चलते जमीन की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड में न तो राजधानी से लगा केंद्रीय गाँव का रिकॉर्ड पूरी तरह गायब है, वहीं ऑनलाइन भूया पोर्टल पर सिर्फ रायपुर तहसील के 1500 से ज़्यादा खसरे विलोपित हो गए हैं। इस संबंध में पटवारियों ने SDM को रिपोर्ट भी जारी की है। बता दें कि बीते एक माह से भूया पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, इसके बाद भी कई तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। खसरा नंबरों का डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर हट जा रहा है, PDF भी नहीं बन पा रहा है। रजिस्ट्री करने के बाद नामांतरण के समय क्रेता और विक्रेता एवं प्रस्तावित भूमि स्वामी के नाम में अंतर आ जा रहा है। भूया सॉफ्टवेयर में जब भी नया वर्जन NIC के द्वारा शुरू किया जाता है, तब बहुत से खातों में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। इन विसंगतियों का पटवारी ID में सुधार का विकल्प भी नहीं है। और रायपुर SDM देवेंद्र पटेल ने बताया कि सभी तहसीलों से 400 विलोपित खसरों की अभी तक सूची मिली है। इसके अनुसार सुधार की प्रक्रिया की जा रही है और जल्द ही ये सुधार कर लिया जाएगा। कांग्रेसियों के करीबी रहे अफसरों की PHQ ने पुलिस हेडक्वार्टर और नक्सल इलाकों में पोस्टिंग कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 4 लेयर की मॉनिटरिंग के बाद 45 IPS बदल दिए गए हैं। अब EOW की तलवार इन पर लटकती नजर आएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने रविवार देर रात 45 IPS ऑफिसरों के तबादले जारी कर दिए हैं। इनमें 25 जिलों के पुलिस ऑफिसर अधीक्षक भी शामिल हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार के करीबी रहे अफसरों को मुख्यालय और नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा पावरफुल अफसर रहे प्रशांत कुमार अग्रवाल, शेख हारिफ हुसैन और आनंद छाबरा का कद कम किया गया है। वहीं गृह विभाग के आदेश में लूप लाइन में बैठे अजात शत्रु बहादुर सिंह, संतोष कुमार सिंह, रजनेश सिंह और अमरेश मिश्रा का कद बढ़ाकर दिखाई दे रहा है। नई पोस्टिंग में अजात शत्रु बहादुर को SP ATS, संतोष कुमार सिंह को SP रायपुर, जबकि रजनेश सिंह को SP बिलासपुर और अमरेश मिश्रा को IG रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रशांत अग्रवाल को बस्तर, आरिफ शेख को सरगुजा और आनंद छाबरा को पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया है।
अमरजीत भगत ने कहा कि झंझट से बचने के लिए हमें गोली मारते। रायपुर में आईटी छापे पर इन्होंने कहा कि मारपीट करके गलत दस्तावेज पर साइन कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आयकर विभाग की कार्यवाही पर कहा कि गैर भाजपाई आदिवासी नेताओं को बीजेपी टारगेट कर रही है, इससे अच्छा तो झंझट से बचने में आप हमें और जितने आदिवासी नेता है उन्हें गोली मार दीजिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज पर मारपीट करके साइन कराए गए हैं। लगातार 4 दिन अमरजीत भगत के निवास समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर आईटी ने कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लेकर अब तक बम्पर धान खरीदी में इस साल रिकॉर्ड टूटा है। 1,44,000 टन धान की खरीदी हुई है, जबकि 24,72,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुसार समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चले धान खरीदी अभियान में कुल 24,72,000 से अधिक किसानों ने अपने 1,44,092 मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है यहाँ पर की, जहाँ छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी धान खरीदी है। इस वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी का अनुमानित किया गया था। वहीं इस साल की धान खरीदी की तुलना करने पर यह पिछली धान खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक है। वहीं पिछले साल 107 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। वहीं किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी करने की घोषणा भी की गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के गरीबों को 2028 तक मुफ्त चावल चार धाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित करने की योजना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ शुरू किया गया। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल दिया जाएगा और इसके तहत छत्तीसगढ़ में 67,94,000 अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्ड वालों को मासिक पात्रता के अनुसार चावल वितरित किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य के 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ को चार धाम की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसके लिए चार्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केंद्र बनाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प को देश दुनिया के तीर्थ मानचित्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। लोकसभा क्लस्टर की बैठक को लेकर खबर, जहां योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने छत्तीसगढ़ में गांव चलो अभियान का शुभारंभ हुआ है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर किरण देव ने बात कही है। दरअसल प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीते दिन हुई लोकसभा क्लस्टर की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे जो क्लस्टर बने हैं उनके प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारी जिलों के अध्यक्ष और विस्तारक की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उन्होंने बताया कि मीटिंग में आगामी योजना को लेकर चर्चा की गई। हर लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा, जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से शुरू की गई गांव चलो अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी से छत्तीसगढ़ में होगा, जो कि 11 फरवरी तक चलने वाला है। बेहाल सिस्टम और खोखले दावे को लेकर के वेंटिलेटर पर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दिखाई दे रहा है। मंत्री जी को उपलब्धि गिनवा रहे थे कैमरे पर, जबकि मरीज ने आकर के पूरे तरीके से कैमरे पर पोल खोल दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे ही कर रहे थे कि एक मरीज का दर्द यहाँ पर छलक पड़ा। दर्द ऐसा कि उनके सारे दावों की पोल खुल गई। मरीज का कहना था कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी कैंसर पीड़ित माँ का ऑपरेशन कर दिया जाएगा, लेकिन वह 1 महीने से इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। फिर मंत्री के कहने पर डॉक्टरों ने इलाज किया और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या हर व्यक्ति मंत्री जी से फोन करवाएगा तभी इलाज मिल पाएगा। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे प्रदेश के सबसे बेहतर अस्पताल में। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कैमरे पर आकर जो है व्यवस्थाओं की तारीफ करने पर लगे हुए थे, तभी औचक निरीक्षण के दौरान वहां पर उनकी व्यवस्थाओं से मजबूर होकर त्रस्त होकर एक व्यक्ति जो है कैमरे के सामने आता है और ये अपनी व्यथा सुनाता है, जिसको लेकर के ये तमाम दावे पोल खुलते हुए दिखाई देते हैं।
विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया, जहां किसानों, श्रमिकों और महिलाओं साथ ही युवाओं पर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक जो है संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ और पूर्व विधायकों के साथ साथ नए विधायकों को मार्गदर्शन दिया गया। साय सरकार का ये पहला बजट सत्र है और बजट से पहले लाए गए अनुपूरक बजट को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि सबसे ज्यादा फोकस किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दे पर रहेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर जो है विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी है। रायपुर में बूढ़ा तालाब चांदनी चौक का मार्ग खोला गया। ब्रिजमोहन ने कहा कि बड़े शहरों की तरह बूढ़ा तालाब विकसित होगा, इंटरटेनमेंट के यहां पर साधन जो है डेवलप किए जाएंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब से लेकर चांदनी चौक तक जाने वाली सड़क को सोमवार को खोल दिया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और ब्रिजमोहन अग्रवाल मंत्री शामिल रहे, जहां अरुण साव ने कहा कि इनके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। वहीं छात्राओं ने कहा कि इससे हमें बहुत राहत मिलेगी। सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब पथ रखा गया है। कांग्रेस शासन काल में नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान पाथवे और गार्डन बनाकर सड़क बंद कर दी थी। बजट में टेक्नोलॉजी और रोजगार पर खास फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी है। जीडीपी डबल करने का टारगेट लेकर चल रही है, जानकारी दी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। दरअसल पिछली बार सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 121,500 करोड़ का बजट पेश किया था। चौधरी इस प्रेशर में है कि बजट का आकार भी बढ़े और लोगों को सुविधाएं भी मिले। प्रदेश में वो विकास होता तो बीजेपी की सरकार दिखा पाए, जो न कर पाए तो सियासी आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने के टारगेट के साथ काम किया है। ओपी चौधरी ने अफसरों की टीम के साथ मिलकर जो बजट बनाया है, उनमें यूथ रोजगार, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर फोकस है। केंद्र से ऐसी योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ को दिलाने की तैयारी है, जिसके लिए जरिए पैसा सीधे लोगों की जेब में आए। महतारी वंदन योजना भी एक ऐसी योजना है। वही साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,33,000 सालाना बताई गई थी। जीडीपी 8% बताई गई थी, जो उस समय देश के जीडीपी से 1% ज्यादा थी। अंग्रेजी में अभिभाषण देने पर भूपेश ने राज्यपाल को टोक दिया, कहा समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन अपने अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज करते नजर आए, जहां अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले राज्यपाल ने शीतकालीन सत्र की तरह जब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार इन्हें टोक दिया।